नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड ने जारी किया मैट्रिक कंपार्टमेंटल का रिजल्ट। नीतीश सरकार ने दे दी सोना खोजने की मंजूरी। पटना में सुबह सुबह ठंडी हवा के झोंके के साथ हुई झमाझम बारिश। इको टूरिज्म के तौर पर विकसित होगा करकटगढ़। सीएम ने दिए संकेत। बिहार में सामान्य स्तर पर है कोरोना संक्रमण दर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड ने जारी किया मैट्रिक कंपार्टमेंटल का रिजल्ट। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक की कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 10वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल कुल छात्रों में से 23.20% पास हुए हैं। परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपने रिजल्ट को बिहार बोर्ड की वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 23.20% स्टूडेंट पास हुए हैं। इसके लिए परीक्षा में कुल 57,335 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। इनमें 13,305 स्टूडेंट्स सफल हुए हैं। परीक्षा का आयोजन राज्य के 114 केंद्रों पर 5 मई से 9 मई तक किया गया था। परीक्षा के 20 दिन के भीतर ही रिजल्ट जारी किया गया। साथ ही मई में बोर्ड की सभी बोर्ड परीक्षा का आयोजन का रिजल्ट जारी कर देने वाला BSEB देश का पहला बोर्ड बन गया है। नीतीश सरकार ने दी सोना खोजने की मंजूरी। बिहार के स्वर्ण अयस्क भंडार में खनन कार्य विधिवत शुरू होने के आसार बढ़ने लगे हैं। जमुई स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के उत्खनन के लिए बिहार शीघ्र केंद्रीय एजेंसी की मदद लेगा और उनसे MOU करेगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार बिहार में 37.6 टन धातु युक्त अयस्क सहित 223 मिलियन टन स्वर्ण धातु उपलब्ध है। ये 44% है। देश में 1 अप्रैल 2015 तक प्राथमिक अयस्क का 501.83 मिलियन टन संसाधन होने का अनुमान है। इसमें 654.74 टन स्वर्ण धातु है। बिहार में स्वर्ण अयस्क का पूरा भंडार जमुई के सोनो क्षेत्र में है। इसी को लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी। बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति देने का फैसला किया है। राज्य का खान एवं भू विज्ञान विभाग जमुई में सोने की भंडार की खोज के लिए GSI और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम सहित अन्वेषण में लगी एजेंसियों के साथ परामर्श कर रहा है। लक्ष्य से अधिक बच्चों और गर्भवती महिलाओं का हुआ टीकाकरण। बिहार में इस साल मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत लक्ष्य से अधिक बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। बीते दिन ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पूर्ण टीकाकरण को एक अभियान की तरह चलाया जा रहा है। इसे गति देने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत राज्य में 8,73,830 बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया, जबकि 8,39,562 बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 1,67,911 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया, जबकि 1,47,904 गर्भवती महिलाओं को ही टीकाकृत करने का लक्ष्य निर्धारित था। इस तरह लक्ष्य से ज्यादा बच्चों और महिलाओं को सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत टीकाकृत किया गया है। चार हाथ पैर वाली बच्ची के इलाज के लिए सामने आए सोनू सूद। नालंदा के सोनू जमुई की सीमा के बाद अब सोनू सूद नवादा के 2.5 साल की बच्ची की मदद के लिए सामने आए हैं। दरअसल जन्म से ही बच्ची के चार हाथ और पैर हैं। बच्ची के माता पिता इलाज के लिए जमुई SDO से मदद की गुहार लगाने गए थे, तभी बच्ची को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसी दौरान किसी ने चार हाथ पैर वाली बच्ची का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो पर सोनू सूद की नजरें गई, तब उन्होंने बिना समय गंवाते बच्ची का इलाज शुरू कराया। डॉक्टर के इलाज करते एक फोटो को पोस्ट करते हुए सोनू सूद ने ट्विटर पर लिखा, टेंशन मत लीजिए, इलाज शुरू करवा दिया गया है, बस दुआ करिए। आयुष दवाओं की क्वालिटी से नाखुश लोग यहां दर्ज कराएं अपनी शिकायत। अगर आप अभी आयुष दवाओं की क्वालिटी से खुश नहीं है तो आप अपनी शिकायत अब आसानी से दर्ज करवा सकते हैं, जिसके तहत ही आप अब अपनी शिकायत पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर में दर्ज करा सकते हैं। बिहार में अब तक आयुष से जुड़ी दवाओं से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई उपयुक्त सरकारी प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन अब इन शिकायतों के आधार पर केंद्र सरकार संबंधित दवा की गुणवत्ता की जांच कर निर्माता कंपनियों को सुधार करने का निर्देश देगी। इसके साथ ही अब देसी चिकित्सा से जुड़ी दवाओं की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सकेगी। केंद्र सरकार ने देश भर में 75 से ज्यादा पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर की स्थापना की है। इसके लिए ही देश भर में 5 IPABC स्थापित किए गए हैं। पटना में सुबह सुबह ठंडी हवा के झोंके के साथ हुई झमाझम बारिश, बदला कई जिलों का मौसम। बिहार में मौसम का बदलाव देखने को मिल रहा है। पटना सहित राज्य के कई जिलों में अल सुबह से ही ठंडी हवा के झोंकों के साथ बारिश हुई। हवा की रफ्तार अधिकतम 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। पटना, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, वैशाली, बेगूसराय, नवादा, दरभंगा और मधुबनी के लिए मौसम विभाग की तरफ से आंशिक से मध्यम बारिश का अद्यतन अलर्ट जारी किया गया है। पटना में सुबह 5:30 बजे से आसपास आसमान बादलों से पूरी तरह ढक गया और सुबह 6 बजे से झमाझम बारिश हुई। इससे पहले शनिवार को ही मौसम विभाग ने रविवार के दिन राज्य भर में, जबकि सोमवार के दिन उत्तर बिहार में आंधी पानी की चेतावनी जारी की थी। मौसम में बदलाव की वजह से लोगों को उमस और गर्मी से भारी राहत मिली है। रविवार को दिन भर में राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश की स्थिति अभी बने रहने की संभावना है।
नीट की परीक्षा में बिहार में एक सीट के लिए 72 से ज्यादा दावेदार। बिहार में डॉक्टर बनने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से ही आप लगा सकते हैं। इस बार बिहार में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के मेडिकल कॉलेज में 1121 सीट, दाखिलों के लिए सीटों के मुकाबले 72 गुना आवेदन आए, यानी एक सीट के लिए 72 दावेदार सामने आए हैं, यानी कि इस बार आवेदनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। वहीं बिहार के मेडिकल कॉलेज में सीटें कम होने की वजह से अधिक कट ऑफ वाले छात्रों का नामांकन संभव है। इस बार लगभग 80,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। गौरतलब है कि इस बार नीट के लिए करीब 2.5 लाख आवेदन ज्यादा आए हैं और आवेदकों की कुल संख्या 18 लाख पार कर गई है। ऐसे में इस बार नीट की कट ऑफ हाई रहने के आसार है। इको टूरिज्म के तौर पर विकसित होगा करकटगढ़, सीएम ने दिए संकेत। कैमूर का करकटगढ़ जलप्रपात एक अद्भुत और मनोरम झरना है, जिसको ही अब विकसित करने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही इसके संकेत दिए हैं, जिसके तहत ही बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कैमूर का करकटगढ़ जलप्रपात एक अद्भुत और मनोरम झरना है। यह एक रमणीक स्थल है, यहाँ हर समय पानी रहता है और इसका फ्लो काफी तेज है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, यहाँ आकर सभी को अच्छा महसूस होता है। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि करकटगढ़ को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करें। साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए यहां कैंटीन की व्यवस्था हो। कैंटीन चालू होने से पर्यटकों को सुविधा होगी। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि पर्यटकों के लिए क्षेत्र निश्चित कर पार्किंग की व्यवस्था की जाए, यहां गहन वृक्षारोपण कराएं। अब ट्रेनिंग कॉलेज के संविदा कर्मियों को समय पर मिलेगा वेतन। बिहार के नीतीश सरकार ने हाल ही में सभी 66 सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को समय पर वेतन भुगतान करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटर, सुरक्षा प्रहरियों और संविदा पर कार्यरत अन्य कर्मियों के बकाया वेतन भी शीघ्र ही दिए जाने की बात कही है। शिक्षा विभाग के शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय ने विभिन्न वेतन मदों में सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राशि की स्वीकृति दे दी है। साथ ही पैसे भी विमुक्त कर दिए गए हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर के परिश्रमिक भुगतान हेतु 1.13 करोड़ 97,372 रुपए दिए गए हैं। इस राशि से अप्रैल, मई, जून का वेतन दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के मान्यता प्राप्त कुल 66 प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर के परिश्रमिक भुगतान को 2.32 करोड़ 36,000 रुपए स्वीकृत और विमुक्त किए गए हैं। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने दिया इस्तीफा। भ्रष्टाचार के मामले में फंसे मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन सचिवालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल सह कुलाधिपति फागु चौहान ने मगध विश्वविद्यालय बोधगया के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद का त्याग पत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। राजभवन सचिवालय के आधिकारिक मीडिया खबरों के अनुसार मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पद से प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने शनिवार की देर शाम अपना इस्तीफा भेज दिया था, जिसे कुलाधिपति ने मंजूर कर दिया है। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पर अपने पद पर रहते हुए अनेक वित्तीय और अन्य अनियमितता के आरोप लगे हैं, उसकी जांच स्पेशल विजिलेंस यूनिट कर रही है। बिहार में सामान्य स्तर पर है कोरोना संक्रमण दर। देश के साथ साथ बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में स्थिरता बनी हुई है। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में संक्रमण दर बढ़ी है। राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार 43 है। वहीं राज्य में महज 51,951 सैंपल की जांच हुई, इसके बाद राज्य में 4 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में कुल सैंपल की जांच करने के बाद कुल मिलाकर 4 कोरोना के मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें राजधानी पटना, मुंगेर, कैमूर, रोहतास में 1-1 कोरोना संक्रमण के मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं देश भर की बात करें तो आज जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 2828 नए मामले सामने आए हैं। 30 मई को कोरोना में अनाथ हुए बच्चों से बात करेंगे पीएम मोदी। पटना जिला समेत देश भर में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। इसके लिए 30 मई की तारीख तय कर दी गई है। इसी दिन प्रधानमंत्री देश के सभी डीएम ऑफिस से जुड़कर कोरोना में माता पिता को खो चुके बच्चों की परवरिश से संबंधित बातें कहेंगे। इस मौके पर स्थानीय विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। इन बच्चों को ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि वो अनाथ नहीं है, बल्कि उनके साथ पूरा देश है। उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी माता पिता की तरह निभाने की कोशिश की जाएगी। वहीं पटना में जिन बच्चों से पीएम मोदी बात करने वाले हैं, इसमें 2 महेंद्रु, 2 अनिसाबाद, 2 विद्युत कॉलोनी, 1 कंकड़बाग, 1 बुद्धा कॉलोनी और 1 बेउर के हैं। जातीय जनगणना को लेकर सरकार ने विपक्षी दलों को भेजा बुलावा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 1 जून को सर्वदलीय बैठक होने वाली है। इस बैठक में शामिल होने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक के लिए पत्र लिखा गया है। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पत्र में लिखा कि बिहार विधानसभा द्वारा 2 बार पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव के आधार पर राज्य सरकार द्वारा जनगणना 2021 को जातिगत आधार पर कराने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई थी, परंतु केंद्र सरकार द्वारा असमर्थता जताने पर मुख्यमंत्री ने बिहार में इसे राज्य सरकार के द्वारा ही कराने हेतु विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाने की घोषणा की थी। यह बैठक 1 जून 2022 को 4 बजे अपराह्न मुख्यमंत्री सचिवालय, 4 देश
पत्र मार्ग में मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। अनुरोध है कि ससमय इस बैठक में भाग लेने का कष्ट करेंगे। लालू यादव पेश करेंगे सीएम नीतीश की रिपोर्ट कार्ड। लंबे समय के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और इन दिनों वो खुद भी पटना में हैं। ऐसे में अब राजद इस बार संपूर्ण क्रांति दिवस के लिए राजद विशेष कार्यक्रम करने जा रहा है। कार्यक्रम में लालू यादव नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेंगे। योजना के अनुसार समारोह को सफल बनाने के लिए राजद की एक दर्जन से ज्यादा समितियां काम कर रही हैं। इसको लेकर बीते दिन ही राजद कार्यालय में लालू प्रसाद के बहुत करीबी नेता भोला यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 12 समितियां 5 जून के संपूर्ण क्रांति दिवस को सफल बनाने के लिए बनाई गई है। यह आयोजन पटना के बापू सभागार में होगा। पूरे राज्य से पार्टी के कार्यकर्ता इसमें शामिल होने आएंगे। कार्यक्रम के अनुसार राजद सुप्रीमो के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल होंगे। ऐसे में काफी भीड़ होने की उम्मीद है। आईपीएल 2022 का खिताब उठाएगी कौन सी टीम, सुरेश रैना ने किया प्रेडिक्ट। आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाना है। कुछ ही घंटों बाद यह फैसला हो जाएगा कि आईपीएल 2022 की ट्रॉफी हार्दिक पांड्या या संजू सैमसन में से कौन उठाएगा। गुजरात टाइटंस पॉइंट टेबल में टॉप पर रहकर प्लेऑफ में पहुंची थी और पहले क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में टिकट कटाया था। इस बीच अब टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने प्रिडिक्ट किया है कि कौन सी टीम फाइनल में ज्यादा भारी पड़ सकती है और खिताब पर कब्जा जमा सकती है। स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान रैना ने कहा कि मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस की टीम राजस्थान रॉयल्स से थोड़ी बेहतर है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है MR आसिफ वसीम, ओमकार सिंह, जितेंद्र ठाकुर, महेश दास, उमेश ऋषिदेव, परवेज आलम, अक्षय कुमार, अमित कुमार पासवान, अंजनी कुमार, दिलखुश आलम, शम्स आगाज, राकेश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहें, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपका सबसे पसंदीदा अभिनेता कौन है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।